कांग्रेस पार्षद पर मेयर ने अपने सुरक्षाकर्मी से अभद्रता का आरोप लगाया। वहीं मामले को लेकर मेयर अपने समर्थकों और पार्षदों के साथ कोतवाली पहुंचे और पार्षद के पक्ष में भी कुछ पार्षद कोतवाली पहुंच गए। यहां पार्षद और मेयर के बीच हल्की नोकझोंक होती रही। जानकारी के अनुसार मेयर गौरव गोयल सिविल लाइन में सफाई कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उनका सुरक्षाकर्मी उत्तराखंड पुलिस का सिपाही नवीन नमोला भी साथ था। बताया गया कि इस दौरान कांग्रेस पार्षद आशीर्वाद वहां आ गया और मोबाइल का कैमरा खोलकर नवीन नमोला से पूछने लगा कि उसकी ड्यूटी किस समय से किस समय तक है। वहीं इतनी रात को मेयर गौरव गोयल के साथ क्यों घूम रहे हैं? सुरक्षाकर्मी ने कहा कि उसकी ड्यूटी विभाग के अधिकारियों ने लगाई है, पार्षद उनसे इस बात की जानकारी नहीं ले सकते। बताया गया है कि पार्षद और गौरव के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। काफी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पार्षद को कोतवाली में आई और वहीं मेयर भी कोतवाली आ गए। मेयर और पार्षद से कोतवाल देवेंद्र वार्ता कर रहे थे, इतने में पार्षद आशीष अग्रवाल मौके से चले गए। वहीं विवाद की जानकारी पाकर दोनों ओर से काफी पार्षद भी कोतवाली पहुंच गए। मेयर गौरव गोयल ने आरोप लगाया कि पार्षद शराब के नशे में धुत था। वहीं खबर लिखे जाने तक पार्षद आशीष अग्रवाल नहीं पहुंचे थे। पुलिस उनकी जानकारी की तलाश में जुटी थी। अभी लगभग 11:15 के करीब में मैं मेन बाज़ार में, जो हमारा सफाई अभियान रात्रि सफाई कार्यक्रम चलता है, उसको देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए गया था। हमने एक नई जटायु मशीन शुरू की है जो सकिंग करती है, कूड़ा उठाती है। मैंने लगभग उसी समय वहाँ पर लाइव भी चलाया, लोगों ने देखा भी कि सफाई अभियान किस तरह चल रहा है। इसी बीच में वहाँ का जो क्षेत्रीय पार्षद है, रात के समय 11 बजे आप सफाई कर, नालों की सफाई नहीं, सड़कों की सफाई, रूटीन की साफ सफाई का जो कार्यक्रम है पिछले एक हफ्ते से हमने शुरू किया रात्रिकालीन सफाई। मैं उससे पहले सचिन कश्यप जी का जो वार्ड है आदर्श नगर पार्षद है यहाँ से, और वहाँ खाटू श्याम जी का कार्यक्रम चल रहा था, खाटू श्याम जी के कीर्तन का कार्यक्रम था, वहाँ से लौट रहा था। और लौटते हुए जो सफाई अभियान था मैंने उसका निरीक्षण किया, देखने के लिए मैं रुका। तो वहाँ का जो क्षेत्रीय पार्षद है आशीष अग्रवाल द्वारा लगातार वहाँ बदतमीजी करी गई कि आप वहाँ वार्ड के अंदर क्यों आए, रोकने का हमें प्रयास किया गया। उसके बाद मेरे जो गनर है नवीन रमोला, उसके साथ बहुत बदतमीजी की, जिसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी सब उपलब्ध है, मैंने पुलिस को तहरीर में दिया है कि पार्षद रात को शराब पी के और इतना हंगामा करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बहुत बुरी स्थिति है। और जब यहाँ कोतवाली पुलिस के सिपाही लेकर के आए उनको, इंस्पेक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, यहाँ से पुलिस गई, पुलिस पकड़ करके लेके आई उस पार्षद को यहाँ पर। तो यहाँ पार्षद आने के बाद में इंस्पेक्टर साहब के सामने बदतमीजी करके, और यहाँ से जब मैंने कहा इनकी जाँच कराओ, इन्होंने ड्रिंक की हुई है, इसकी जाँच होनी चाहिए, तो जाँच ना करते हुए इंस्पेक्टर साहब के सामने से ही कोतवाली में से उठ के भाग गए। और उसके बाद में पुलिस ने घर पे तहरीर देने, घर पे दबिश देने के लिए पुलिस की गाड़ी गई, जीप गई, पता लगा वो घर पे नहीं है। इंस्पेक्टर साहब के सामने उनका सहयोगी पार्षद है नितिन त्यागी, उन्होंने आकर के बहुत बदतमीजी की, बहुत यहाँ गाली गलौज की इंस्पेक्टर साहब के सामने, और बहुत यहाँ से अभद्रता करते हुए दोनों लोग कोतवाली से भाग गए। पुलिस ने दबिश दी घर पे, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं पाए गए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि आगे सबक मिले कि आम व्यक्ति के साथ, वो किसी व्यक्ति के साथ, मैं तो महापौर हूँ, इस तरह की बदतमीजी नशे की हालत में ना करें। देखिए ये कोई विषय नहीं है, हम सफाई अभियान चला रहे हैं, आपको या करके मैंने की व्यवस्था की सफाई हो, मैंने इसीलिए पिछले एक सप्ताह पहले रात्रिकालीन सफाई शुरू कराई। शहर के अंदर जितने प्रमुख बाजार रहेंगे सबके अंदर रात को भी सफाई का काम शुरू कराए। एक जटायु मशीन हमारे यहाँ थी, उसको ठीक करा करके उसको दोबारा हमने शुरू किया कि आप देख सकते हैं, बल्कि लाइव मैंने उसको बल्कि चलाया 11 बजे जो घटना हुई, उससे पहले 10:30 बजे लाइव चलाया गया, वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था दिखाई गई, और बार बार रोकने का काम कर रहे हैं, सही काम को होने नहीं देना चाहते। नगर निगम के सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, कुछ पार्षदों द्वारा बजट तक रोक दिया गया नगर निगम का, सब लोगों को पता है, इस कारण से शहर के सारे विकास कार्य अवरुद्ध हो गए। धन्यवाद।